Myself, Professor Dr. Jasvinder Kaur from Ishan Ayurvedic College, respected dignitaries, faculty members, and my dear students. Today we gather here to discuss about the lifestyle disorders among the society. क्या उसके कारण हैं और क्या उसकी चिकित्सा आयुर्वेद में वर्णित है. First of all, I would like to congratulate the ST Homo team and the team to organize a big event today. I think it's the first Ayush Expo. Big round of applause for the team. Disorders in females. Basically, PCOD is my topic today. Women, we all know, play a very vital role in the society. एक तरफ तो females जो हैं पूरे, मुझे लगता है कि society में जो पूरा कार्यभार संभाल रही हैं, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो stress और depression से भी उसी But on the other hand, second point की अगर दूसरी side देखें तो stress and depression सभी में रहते हुए भी females में क्यों ज़्यादा है. ऐसा नहीं है कि कोई social foundations उन पे ज़्यादा हैं या घर में family से कुछ ज़्यादा परेशानियाँ हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि physiological जो changes हैं reproductive life जब start होती है उस time पे जो वो physiological changes आते हैं उसी दौरान स्ट्रेस हार्मोन का बनना या किस तरह के इतने जो है उसी ससेप्टेबल रहती हैं स्ट्रेस या डिप्रेशन की वजह से. तो स्ट्रेस और डिप्रेशन भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है पीसीओडी का. लाइफस्टाइल डिजीजेस की बात करें तो बैड हैबिट्स, इम्प्रॉपर जो हम खान पान ठीक से नहीं ले रहे हैं. बहुत सारे स्पीकर्स ने अभी बताया कि हम जो है ठीक खान पान नहीं लेते. वात के समय में वात का काल है तो कफ का कफज आहार का सेवन कर रहे हैं, पित्तज आहार का सेवन कर रहे हैं, इम्प्रॉपर. और साथ में हमारे रिलेटिंग जो एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप्स हैं वो भी हमारे ठीक नहीं रहते हैं. दैट्स व्हाई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स. दीज आर द सम ऑफ द इम्प्रॉपर डेली हैबिट्स, बैड फूड हैबिट्स, फिजिकल इनएक्टिविटी, डिस्टर्ब बायोलॉजिकल क्लॉक. सर्कैडियन रिदम रहती है हमारे बॉडी में. समय से सोना है, समय से उठना है, समय से खाना है. सुबह सुबह का काल कफ का वात का पित्त का जिस तरह से सीक्वेंस बताया गया है उसी तरह से हमें खान पान लेना बहुत जरूरी है. लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स इन फीमेल्स की बात करें तो ये बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं जिसमें ओबेसिटी, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, पीसीओडी, डिप्रेशन, infertility, diabetes type 2. Among these all monsters, the biggest one is the PCOD. This is the biggest monster among all these. Management क्या है? वो ही इसकी line of treatment है. एक तो हमें अपनी lifestyle habits को change करना है. अपने we have to plan the diet. जो भी हम diet ले रहे हैं उसको plan कीजिए. फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए. और सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज आयुर्वेदिक अप्रोच. मिरेकुलस हर्ब्स आर देयर. और सेकेंडली दिनचर्या का, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या का पालन किया. पीसीओडी बेसिकली क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एंड लार्ज ओवरीज विद मल्टीपल स्मॉल सिस्ट. सिर्फ हम अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट देख लें कि सिस्ट हो गए, दैट इज नॉट सफिशिएंट टू से कि इस पेशेंट को पीसीओडी है. सिस्ट फंक्शनल भी हो सकते हैं. दिस शुड बी अलोंग विद द अदर एस्पेक्ट एलिवेटेड लेवल्स ऑफ मेल हार्मोन्स जिसमें कि टेस्टोस्टेरोन लेवल, एंड्रोजन लेवल्स, डीएचईए, ये सब जो लेवल्स हैं वो एग्रेवेट हो जाते हैं. मोस्ट प्रोबेबली मोस्टली जो है वो टेस्टोस्टेरोन का लेवल 150 नैनोग्राम पर डेसीलीटर
सेंटीमीटर से भी ज्यादा बढ़ जाता है। सिर्फ जो है हम इससे नहीं कहेंगे कि सिस्ट है तो इस पेशेंट को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, उसके साथ साथ अगर हार्मोन्स का लेवल, मेल हार्मोन्स का लेवल भी फीमेल में बढ़ गया है, देन ओनली वी कैन से दिस इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। व्हाट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम देन? व्हेन दिस इज एसोसिएटेड विद अदर डिजीजेस लाइक ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, डायबिटीज टू, देन इट इज कॉल्ड पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसे हम स्टीन लेवेंथल सिंड्रोम भी कहते हैं। मोस्टली जो है रिप्रोडक्टिव एज में 16 टू 45 इयर्स की एज में लेडीज को ही होती है। पीसीओडी इज द मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर इन द वुमेन। सिम्टम्स इसके क्या हैं? इररेगुलर मेंसेस, इररेगुलर में भी एब्सेंट रहेंगे या डिलेड हो जाते हैं पीरियड्स। सेकेंडली वेट गेन और फेशियल हेयर, ओबेसिटी, सेंट्रल ओबेसिटी रहती है। और इफ अनट्रीटेड इट मे लीड टू डायबिटीज टू एंड इट इज ऑल्सो द लीडिंग कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के जितने भी हमारे पास पेशेंट आते हैं उसमें 50% से ज़्यादा जो रीज़न मिलता है पीसीओडी में। PCOS is characterized by irregular menstrual cycle की वजह से infertility तक progesterone levels जो हैं वो disturbed हो जाएंगे, hormonal imbalance ठीक रहेगा, excess male hormones, excess hair growth on upper lip and chin, acne and male pattern baldness, weight gain, obesity leads to depression again, insulin resistance। insulin resistance क्या है अभी मैं आगे समझाती हूँ। हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है उसकी वजह से और रिस्क ऑफ डायबिटीज। दीज आर द पीसीओएस सिम्टम्स अभी जैसे मैंने बताया। मोस्ट सबसे पहला जो है एब्सेंट पीरियड्स और डिलेड पीरियड्स लेके पेशेंट आता है। 10 में से 3 पेशेंट क्लिनिक पे जो है पीसीओडी के मिलते हैं। 33% जो है इसका रहता है चांस। वेट गेन इज द सेकेंड मेजर सिम्टम। ओबेसिटी हो जाती है और वो भी जो है एब्डोमिनल रीजन पे, एब्डोमिनल रीजन पे ज़्यादा ओबेस दिखाई देगी फीमेल। एक्ने रहेंगे और एक्सेस ऑफ बॉडी हेयर ग्रोथ। बॉडी हेयर ग्रोथ एक्सेस होते हुए भी इसमें सेकेंडली अगर देखें तो जैसे मेल पैटर्न बाल्डनेस मिलेगी, सिर पे बाल जो है कम हो जाएंगे, बॉडी हेयर ज़्यादा होगी लेकिन सिर पे जो है बाल कम होंगे। ओवेरियन सिस्ट अल्ट्रासाउंड में मिलेंगे, टेस्ट कराएंगे आप तो उसमें जो है एलिवेटेड हार्मोन्स, मेल हार्मोन्स, मूड चेंजेस, फैटीग, इंसुलिन रेजिस्टेंस और इनफर्टिलिटी। कारण क्या है, क्यों हो जाता है पीसीओडी, इसकी टियोलॉजी बहुत अच्छे से नहीं अभी तक क्लियर हुई है, पैथोफिजियोलॉजी क्लियर नहीं है। फिर भी एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ मेल हार्मोन इज वन ऑफ द कॉज, वो भी क्यों हो रहा है। रीजन पे अगर हम जाएं तो स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस ही इसका एक मेजर कारण है जिससे एड्रीनल्स जो हैं, एड्रीनल्स मेल हार्मोन को ज़्यादा सीक्रेट करने लगते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होती है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से रिसेप्टर्स अपना काम ठीक से नहीं करते। जेनेटिक कॉजेस 50% केसेस जो होते हैं वो फर्स्ट जो रिलेशन हैं, फर्स्ट जनरेशन जो है मदर हैं उनको रहा, इस तरह का आपको बिल्कुल हिस्ट्री में मिलेगा। हाँ, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, ये नॉर्मल है। नॉर्मली क्या होता है कि पैनक्रियास ने इंसुलिन बनाया, ये हमारे बॉडी के सेल्स हैं, बॉडी सेल्स जो है वहाँ पे इंसुलिन रिसेप्टर जो है, इंसुलिन रिसेप्टर पे इंसुलिन आके जब लगता है तो वो फंक्शनल हो जाते हैं और ग्लूकोज का अपटेक स्टार्ट है, देन ओनली आर बॉडी यूटिलाइजेस द ग्लूकोज। तो नॉर्मली ऐसा होता है लेकिन जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है तो यही रिसेप्टर्स, वहाँ देखिए क्रॉस कर दिया गया है कि रिसेप्टर्स फंक्शनली नहीं, अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से इंसुलिन वहाँ पे अपना काम ठीक से नहीं कर पाया और ग्लूकोज का अपटेक वहीं स्टॉप हो जाता है। अब ग्लूकोज का अपटेक नहीं हो रहा
तो ऐसे में पैनक्रियाज मोर एंड मोर इंसुलिन बनाने लग जाता है, ग्लूकोज का अपटेक नहीं हो रहा, ग्लूकोज लीवर में जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है, हाइपर इंसुलिनेमिया की कंडीशन जनरेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि पैनक्रियाज ने बहुत सारा इंसुलिन बना दिया। दिस इज आवर इंसुलिन रेजिस्टेंस। बहुत जगह पे स्टूडेंट समझ नहीं पाते कि क्या है, दिस इज इंसुलिन डायग्नोसिस ऑफ पीसीओएस। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मियर प्रेजेंस ऑफ द सिस्ट इन द ओवरीज इज नॉट द सफिशिएंट फॉर डायग्नोसिंग द